हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक हमारे व्यूवर्स हैं आप लोग में से ही, जो कि वो आपको इस वीडियो में अपनी कुछ बातें शेयर करने वाले हैं और वो भी लाइव आकर। उनको दो क्रेडिट कार्ड मिले हैं, एक HDFC बैंक का और एक Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, और दोनों क्रेडिट कार्ड विदाउट इनकम प्रूफ का मिल चुका है। तो ये अपनी सारी बातें आपको बताएंगे कैसे वो कार्ड मिला है। तो मैं उनका क्लिप जो है यहाँ पे प्ले करने जा रहा हूँ, सो प्लीज आप पूरा वॉच कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके जाना कि आपके लाइक से हमें हिम्मत मिलता है। ऐसे ही वीडियो आपको लाकर देते रहेंगे। और अगर किसी को भी क्रेडिट कार्ड मिला है तो वो हमारे ईमेल पे अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर दे, हम वीडियो बना के लोगों की हेल्प करेंगे। तो सो प्लीज आप इस क्लिप को पूरा वॉच कर लीजिएगा। सभी दोस्तों लोग का नमस्ते। मैं ये वीडियो खुद से बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो दुबे जी का चैनल में डालूँगा। दुबे जी का चैनल का जितना भी सब्सक्राइबर है सबको मेरा नमस्ते। मैं आज कुछ क्रेडिट कार्ड बारे में बोलना चाहता हूँ। आजकल दुनिया में क्रेडिट कार्ड सबको चाहिए और सबको पास होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा? मेरे पास मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई मतलब मैं प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, और मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ कि जो मैं ITR फाइल करता हूँ। लेकिन उस ये सब होने के बाद भी मेरे को HDFC बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड मिला है। वो क्रेडिट कार्ड मेरे को कैसे मिला, जो मैं प्रैक्टिकल किया हूँ उसके बारे में आप लोग को सब बोलना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास भी एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, एक अच्छा बात है। तो मैं HDFC बैंक में एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन किया, उसको मतलब 15,000 से 20,000 बैलेंस मेंटेन करके चला। फिर मैं ट्रांजैक्शन उसमें किया, लेकिन ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा मेरे पास भी नहीं था। मैं दोस्तों लोग का पैसा एक दिन के लगा के उसमें डाल दिया, फिर एक दिन जब ख़त्म हो जाएगा उन लोगों का पैसा मैं निकाल के उन लोगों को दे दिया। ऐसे करते करते 3 महीना हो गया। तो 3 महीने के बाद मेरा डेबिट कार्ड से एक ऑफ़र आया। उसका ऑफ़र क्या था ना, 22,000 का लिमिट दिया था डेबिट कार्ड में, 22,000 का लिमिट दिया था। फिर मैं क्या किया ना, वो डेबिट कार्ड से एक मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेने के बाद उसको 3 महीने का EMI बना दिया, और 3 महीने का पेमेंट मैं टाइम पर दे दिया। ऐसे करते करते जब टाइम से पैसा दे दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मेरे को अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहा था 15,000 से 20,000, ट्रांजैक्शन भी हो रहा था। बाकी ये जो डेबिट कार्ड में मेरे को ऑफर मिला था मोबाइल लेके टाइम पर देने के बाद, मेरा क्रेडिट स्कोर पैदा हो गया। तो क्रेडिट स्कोर चेक किया था उसके वो टाइम पे मेरा 752 था। उसके बाद क्या, ठीक 8 महीने के बाद मेरे पास HDFC बैंक की तरफ से एक मेल आया। वो मेल में मतलब मेरे को 3 क्रेडिट कार्ड ऑफर दिया गया था। पहला क्रेडिट कार्ड मनी बाय क्रेडिट कार्ड जिसका लिमिट था 75,000, दूसरा क्रेडिट कार्ड मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जिसका लिमिट है 1,25,000, और तीसरा था रेगेलिया क्रेडिट कार्ड जिसका लिमिट है 2,50,000। फिर कस्टमर केयर से मैं कॉल किया, मैं उसको पूछा कि मेरे अकाउंट में कुछ क्रेडिट कार्ड का ऑफर है क्या। तो वो लोग बोला कि हाँ सर, आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड ऑफर है, तो आप कौन सा लेना चाहेंगे। तो मैं बोला नहीं, मेरे को मिलेनिया क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो वो लोग मिलेनिया क्रेडिट कार्ड तुरंत ही दे दिए, मतलब वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मेरे मेल में 3 मिनट के अंदर आ गया। उसके बाद 10 या 15 दिन के अंदर मेरे पास फिजिकल क्रेडिट कार्ड आ गया, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। मेरा नाम भी देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो क्रेडिट कार्ड मेरे को मिला है, इसके लिए मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ प्रदीप दुबे जी को। दुबे जी का वीडियो में देखा, फिर दुबे जी का वीडियो देख के कुछ सीखा, फिर उसके बाद मैं कुछ अपना दिमाग लगाया। ऐसे करते करते मेरे पास HDFC का मिलने क्रेडिट कार्ड मिल गया। फिर उसके बाद मेरा एक अकाउंट था ICICI बैंक में,
तो अभी तो सब फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैं ऐसे ही बैठा था, यही 15 दिन का बात है, मैं अमेजोन पे ऐसे ऐसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया। लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं देखा कि मेरा क्रेडिट स्कोर 820 है, 820 क्रेडिट स्कोर है। तो 820 क्रेडिट स्कोर है, जब मैं अप्लाई किया उसका एक दिन के बाद मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूवल हो गया। अप्रूवल होने के बाद फिर मेरे पास तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मेरे को नहीं मिला, मेरे को सिर्फ 8 दिन के बाद मेरे को फिजिकल क्रेडिट कार्ड मिला, जिसका लिमिट है 1 लाख रुपया दिया गया है, वो है ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो अभी मैं पूरा खुश हूँ, मेरे को क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एक सपना था, लेकिन क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मतलब मेरे पास कुछ रास्ता भी नहीं था, मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ कि मैं इतना पैसा भी नहीं कमाता हूँ। लेकिन मैं पूरा श्रेय मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ प्रदीप दुबे जी का, जिसके वजह से उनका कुछ मेथड बाकी मेरा कुछ दिमाग ये डालने के बाद मेरे को क्रेडिट कार्ड मिला है।